आप देख रहे हो नेचुरल ब्यूटी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खादी के कैस्टर ऑयल का रिव्यू। प्लस आज मैं बताने वाली हूँ कि खादी का कैस्टर ऑयल या कोई भी कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरीके से आपके बालों को एकदम डबल ग्रोथ दे देगा, बालों की सभी प्रॉब्लम को हटा देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कैसा लगा। तो मैं सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दूँ जिनको भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आजकल तो कोई भी नहीं है जिसको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, लाइक डैंड्रफ एंड हेयर ग्रोथ नहीं होते, हेयर फॉल होने लगते हैं, हेयर वाइट होने लगते हैं, तो ऑल दैट आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं जो आपको कैस्टर ऑयल दिखाने वाली हूँ वो है खादी का कैस्टर ऑयल। एज यू कैन एबल टू सी इट, ये खादी का है और मैं आपको खादी का ही रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि जो खादी का कैस्टर ऑयल होता है ये हर्बल होता है और 100% कैस्टर ऑयल होता है, इसमें कोई मिक्स्ड ऑयल नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। तो ये खादी की तरफ से, एंड प्लस इसकी प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी ना ऑयल लग गया था तो ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, पर आपको क्लियरली तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा। इसकी MRP है 150, तो ये आपको 150 में ये जो खादी का ऑयल है ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा 150 में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इसकी। एंड अब मैं बताने वाली हूँ कैस्टर ऑयल आप कोई भी यूज़ करो आपके लिए कैसे अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो कैस्टर ऑयल होते हैं उनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें जो होती है वो आपके डैंड्रफ को कम करने में बहुत मदद करती है, और अगर आपको जैसे कई लोगों को बाल में जुए वगैरह भी हो जाते हैं तो उनको भी कम करने में मदद करेगी। और डैंड्रफ तो स्पेशली आजकल सभी को प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, तो डैंड्रफ को भी ये एब्सोल्युटली कम करने वाली है। तो ये आप, मैंने अगले वीडियो में भी मैं बता दूँगी, मैं हेयर केयर के ऊपर बनाने वाली हूँ, वो भी चेक कर लेना। तो आपको जो भी आप नॉर्मल डेली ऑयल यूज़ करते हो, जैसे मैं यूज़ करती हूँ हेयर एंड केयर का ऑयल, तो इसमें आपको एक ढक्कन ये कैस्टर ऑयल डाल देना चाहिए। मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं डाल रही हूँ। तो आपको डाल के इसको अच्छे से ऐसे शेक करके रख लेना चाहिए। इसको डालने से ये होगा कि जो कैस्टर ऑयल होते हैं बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जब आप इसमें डालोगे और इसको आप डेली लगाओगे तो ये आपके बालों की ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। जो नेक्स्ट इसमें अच्छी चीज़ होती है वो है ये है कि अगर कई लोग को रहता है कि स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कभी बहुत ज़्यादा जुएँ हो जाते हैं या कई लोग को स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है विद द लैक ऑफ डैंड्रफ, तो इस वजह से कई लोग को स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया है ना तो भी आप ये ऑयल लगाओगे तो आपके स्कैल्प इन्फेक्शन में भी ये बहुत मदद करेगा। प्लस इसमें रैल्किनोलिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें रैल्किनोलिक एसिड होता है जो कि आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आपको पता है आपके ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा रहेगा उतने आपके हेयर ग्रोथ होंगे। आपको रोज़ रात को सोने से पहले 15 मिनट मसाज करना चाहिए सिर की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। द नेक्स्ट थिंग जो इसमें अच्छी होती है वो ये कि मैंने जैसे बताया कि इसमें रेनोलिक एसिड होता है, तो ये वाला जो एसिड होता है ये आपके स्कैल्प का जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। प्लस आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, यानी अगर आपके हेयर बिल्कुल सूखे झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, हेयर फॉल स्पेशली होने लगा, तो आप इसको लगाओगे आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो जाएंगे। आपके हेयर को एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन देगा, जैसे मैंने बताया रूखे सूखे बाल हो तो एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन देगा। आपके स्कैल्प के pH लेवल को ये बैलेंस रखेगा एंड आपके हेयर फॉलिकल्स हेल्थ को ये बूस्ट करेगा, जैसे कि मैं बता चुकी हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा एंड ऑल दैट। फिर आपके हेयर लॉस को कंट्रोल में करेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो जब आप इसको लगाओगे तो आपको 2-3 हफ्ते में ही फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा कि ये आपके हेयर फॉल को काफ़ी कम कर रहा है। एंड आपको डायरेक्ट ये नहीं लगाना, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, प्लस आपको डायरेक्ट ये नहीं लगाना है, चिपचिपा भी लगेगा। मैंने बताया आपको इसमें मिला के लगाना है, डेली ऑयल में जो भी ऑयल आप यूज़ करो उसमें मिला के लगाना है, तो ये आपको मदद करेगा। फिर आपके बालों को मोटा बनाएगा, थिकन बनाएगा, ठीक है।
फिर आपके हेयर कलर को भी एनहेंस करेगा। अगर आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या हेयर कलर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, आपको बार बार हेयर कलर कराना पड़ता है, इसको लगाओगे तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। फिर आपको अगर बहुत ड्राई स्कैल्प है आपकी, जो स्कैल्प को भी ये मॉइस्चराइज करेगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी अच्छी कुछ मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज़ शेयर की है, एंड आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको पता चले कि ये कैसे, और यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है मैं बता दूँ आपको बेनिफिट। कैस्टर ऑयल इज़ हाईली प्रोटेक्टिव, स्मूदनिंग एंड लेक्सिटिव। ये एक्चुअली अगर आपके बाल, मैंने बता चुकी हूँ, ड्राई है, स्मूद नहीं है, तो वो लगाओगे स्मूद हो जाएंगे। हेल्प टू सील मॉइस्चर इन स्किन। आप इसको अगर स्किन में भी लगाते हो, तो अगर आपके ओठ बहुत फटते हैं तो आप इसको अपने ओठों पे लगाइए, रात को सोने से पहले इसको अपने ओठों पे लगाइए, ओठ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, फटना बंद हो जाएंगे। स्किन पे भी लगा सकते हो ये, वेरी गुड फॉर एक्जिमा एंड ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन, फेस की भी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, एकदम चॉक टेक्सचर की है, तो उसके लिए भी आप ये लगा सकते हो। नरिशेस ड्राई हेयर एंड रिमूव डैंड्रफ, ये मैं बता चुकी हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है, यू कैन ट्राई इट, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो ओके गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी मैं हेयर केयर के ऊपर ही डालने वाली हूँ, कुछ ऐसी टिप्स जो और आपके हेयर केयर को इम्प्रूव करेगी, प्लस आपके हेयर फॉल को कम करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन क्लिक करना, वीडियो लाइक करना, बताना वीडियो कैसा था कमेंट में, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे।